अगर आप एक गेमर हो तो गेमिंग ईयरफोन की इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगी गेमिंग खेलते वक्त। सो व्हाट्सअप गाइस, मैं स्नेहल और आप देख रहे हैं टेक गिज़्मो। टेक गिज़्मो में आज हम सर्कल का गेमिंग ईयरफोन का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बिल्डअप क्वालिटी की बात करेंगे। तो इसके जो साइड कप्स है, ये स्क्वायर शेप में है विद सर्कल लोगो इन द मिडल। ऊपर की तरफ आपको स्ट्रिंग्स दिखेंगे और नीचे एक कुशन है जो स्ट्रेचेबल है इस तरह। मोस्टली जब भी मैं ऐसे ईयरफोन लेता हूँ तो उसमें बॉक्स पे जो फोटोज होते हैं वो अलग होते हैं और अंदर ईयरफोन कुछ अलग ही दिखता है। लेकिन इस ईयरफोन की बात अलग है, जैसा इसके बॉक्स पे फोटो है वैसे ये अंदर भी दिखता है, एक्चुअल में दिखता है। इसकी वायर क्वालिटी बहुत ही ठीक है और ये 2 पिन के साथ आता है 3.5 mm का, एक माइक का है और एक ऑडियो का है। और इसकी वायर की जो लेंथ है 6 फीट है। ये आपको मदद करेगी थोड़ा आपका मोनिटर से दूर बैठ के गेमिंग करने के लिए, जिससे आपकी आँख ख़राब नहीं होगी। ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है और ये इसका माइक है। और इसको जो कप से, ये आपको ओवर द ईयर मतलब कान के ऊपर, पूरे कान इसके अंदर आपके ढक जाएंगे, जिसके वजह से आपको नॉइज कैंसिलेशन का अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बैकग्राउंड एम्बियंस ज़रा भी सुनाई नहीं देगा। मैंने इसको खेल के देखा है गेमिंग के वक्त, बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल आवाज़ आती है। और इसका बेस आपको है ना, जो बेस ज़्यादा नहीं है, एक्यूरेट बेस है गेमिंग के लिए, क्योंकि जो मेरा दूसरा ईयरफोन है उसमें बेस ज़्यादा होने के कारण कभी कभी मुझे गेमिंग खेलते वक्त, स्पेशली पबजी खेलते वक्त जो ऑडियो इफेक्ट आते हैं, जैसे स्टेप्स के, एनिमी के जो स्टेप्स रहते हैं उनका आवाज़ में कभी कभी मिस करता था इसके बेस की वजह से। लेकिन इसमें बेस एकदम एक्यूरेट है, जितना चाहिए उतना है गेमिंग के लिए। तो अब बात करते हैं इसके प्रोन्स और कॉन्स की। तो मुझे इसके सबसे बड़ा जो कॉन्स लगा वो है, 1 घंटे की गेमिंग करने के बाद आपके हेयर से स्वेटी हो जाते हैं और ये सब स्वेटी हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी इसकी जो बॉक्स पे लिखी है वो है 20 से 20,000 तक जाती है, लेकिन ये सही बात नहीं है। मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी चेक की है, ये 15,000 के ऊपर नहीं जाती। तो ये थे कुछ कॉन्स, अभी हम बात करेंगे प्रोन्स की। तो इसका ओवर द ईयर हेयरफोन होने के कारण आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का इफेक्ट बहुत ही अच्छे से आएगा और आप अच्छे से छोटे इफेक्ट भी सुन पाओगे। जैसे पबजी खेल रहे हो तो आपके एनिमीज के छोटे छोटे स्टेप जो आते हैं, आवाज़ आती है, आपको क्लियरली सुनाई देगी, गाड़ी कहाँ से आ रही है, गोली कहाँ से आ रही है, सब आपको क्लियरली सुनाई देगा पबजी खेलते वक्त। मैंने इस पर खेला है 3-3, 4-4 घंटे तक इस पर पबजी खेला है और इसका जो इफेक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा कम्पेयर टू अदर ईयरफोन्स। और इसका मुझे और एक प्लस पॉइंट जो लगा वो है कि ये बहुत हल्का है कम्पेयर टू अदर ईयरफोन्स, और हल्का होने के कारण आपका सर, मतलब मोस्टली जो दूसरे ईयरफोन्स थे मेरे, वो जब भी पहनता था मेरे कान दुखने लग जाते थे और ऐसा लगता था क्या सर पे रखा हुआ है, कितना वजन। लेकिन ये बहुत हल्का है, अच्छे क्वालिटी का है और इसके लुक्स भी बहुत औसम है। तो गाइस अभी बात करते हैं इसके फाइनल रिव्यू की, कि जो 1100 रुपये का जो ईयरफोन है ये वर्थ है कि नहीं
और इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, ये 1100 रुपये के हिसाब से एक एवरेज ईयरफोन है और ये बिगनर्स के लिए मैं इसको रेकमेंड करता हूँ। तो गाइज ईयरफोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहना, आबाद रहना और दूसरों को भी खुश रखना यार।